नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गैस गीजर में लगने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में, जिसे हम सोलनॉइड रिले भी कहते हैं। ये जल्दी जल्दी क्यों ख़राब हो जाती है और हमें जब रिले को बदलवाना होता है तो कौन सी रिले हमें लगानी चाहिए और अन्य सभी बातें जो इस रिले के लिए ज़रूरी है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी हुई है तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो हमारे गैस गीजर में गैस की सप्लाई को चालू और बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। अक्सर ये ख़राब हो जाती है और कई बार तो हम बार बार इसे बदलवाते हैं और हर सीजन में ये आपको ख़राब मिलती है। ऐसा क्यों होता है, वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। अभी आप देखिए, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। इसमें एक प्लंजर होता है जो ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है ताकि हमारी जो गैस की सप्लाई है, गैस गीजर बंद होने के साथ ही वो सप्लाई को बंद कर देती है। अक्सर ये जाम हो जाती है, इसलिए आपको जब भी गैस गीजर की सर्विस करवाएं, टेक्नीशियन से ही करवाएं और उसे कहिए कि इसमें भी थोड़ा ऑयल अवश्य दे दे, ताकि जो प्लंजर ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है उसमें जंग लगने की वजह से वो जाम होना शुरू हो जाता है और कई बार हमारी गैस की सप्लाई निरंतर चलती रहती है, जिससे कोई हादसा होने का डर बना रहता है। जब भी आप रिले को बदलवाएँ, जिस टेक्नीशियन से बदलवाएं उसे कहिए कि अच्छी क्वालिटी वाली रिले ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें भी दो वैरायटी होती हैं, एक एल्युमिनियम वाइंड होती है, एक कॉपर वाइंड होती है। अभी आप देखिए, ये जो रिले है मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो वाइंडिंग अभी आप देख रहे हैं कॉपर की है, ये एल्युमिनियम की है, उसके लिए हमें स्क्रैच करना होता है। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ टेक्नीशियन से ही कहना है कि आप जब भी मेरे गैस गीजर में रिले लगाएँ तो कॉपर वाली रिले ही लगाएं। वो थोड़ी महंगी होती है लेकिन वो लंबा चलती है। एल्युमिनियम वाली रिले जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसा भी आप देख रहे हैं ये एल्युमिनियम वाइंडिंग है। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको साफ साफ नज़र आएगी कि एल्युमिनियम वाइंडिंग कैसे दिख जाती है, लेकिन आप ऐसा पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस बात को मेंशन किया है। देखिए, जैसे ही मैंने इसको स्क्रैच किया तो आप देख पाएंगे कि शायद ये कॉपर वाउंड है। अब मैं आपको एक दूसरी रिले और दिखाऊंगा, उसको जब मैं स्क्रैच करूंगा तो आपको वो एल्युमिनियम वाउंड नज़र आएगी। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप अपना गैस गीजर शुरू करें सर्दियों में, तो बैटरी को अवश्य रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर आपकी बैटरी डाउन होगी तो आपकी रिले जल्दी जल्दी ख़राब होगी। अब ये दूसरी रिले आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि आपको सिल्वर कलर नज़र आएगा। ऊपर कॉपर की पॉलिश है और नीचे ये सिल्वर वाउंड है, इसलिए आप अपने गैस गीजर में कॉपर वाउंड वाली रिले ही लगाएं। उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और उसका कार्य भी अच्छा होता है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप जब भी गैस गीजर सर्दियों में चलाते हैं तो बैटरी को रिप्लेस अवश्य कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी रिले बार बार ख़राब होगी, क्योंकि बैटरी डाउन होने के बाद रिले की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है और जिससे इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वीक हो जाती है और वो ख़राब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अपनी इस रिले की लाइफ को बढ़ाने के लिए बैटरी को 6 महीने के बाद ही रिप्लेस कर दीजिएगा, और जब भी आप अपने इस गैस गीजर रिले को चेंज करवाएं तो कॉपर वाउंड रिले ही चेंज करवाएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।